क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई, तो आप भय का वातावरण नहीं बने, इसलिए पुलिस तो बने तैनात रहे लेकिन दूर रहे, गांव में नहीं रहे। एक बात सुनो, कल की भीड़ में अगर पत्रकार मर जाता तो मेरे भी वो लगती हथकड़ी, क्योंकि मैं षड्यंत्र का भागीदार बनता। अगर जरूरी हुआ तो मैं और मंत्री जी दोनों वहां जा सकते हैं शांति कायम करने के लिए। मैं आरोप पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, और अगर हमने कोई गड़बड़ की है या नहीं इन्होंने, तो मैं आप सबके बीच में कह के जा रहा हूँ, एक भी को न तो हम बचाएंगे न जो आए हैं बचाएंगे। जो भी अपराधी है उसकी कोई इलाका हो, कोई जाति हो, किसी भी दल का हो, उस जेल के सीख से भी जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषी के पर पुलिस हाथ नहीं डांटे। मैंने खुद डीजी साहब को फोन किया कि आप रात में कोई कार्रवाई मत करो, वो रुक गए थे, जो कार्रवाई करनी है वो सुबह करना, यहाँ लैप्स। मैं कल गांव में गया था, एक एक घर का अवलोकन करके आया जहां जहां नुकसान हुआ, और हर उस व्यक्ति से, उस औरत से मिला जिसके चोटें लगी। वहां कई मकानों में तोड़फोड़ हुई थी और दो वाहन पुलिस के जले खड़े थे, आधा दर्जन से चौपहिया वाहन आंदोलनकारियों के थे, किसके थे ख्याल देखने वालों को ये पता नहीं, जांच का विषय है, और केवल 100 सवा से मोटरसाइकिल जली पड़ी थी, वो तो आप लोगों ने भी देखी होगी, तो पुलिस उनको भर के ले जा रही थी। अब मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई, आप जान रहे हो जो घटना पोलिंग पर हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए, तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी ने वहां भी कर लिया, मुख्यमंत्री जी से करके पूरी घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने, सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने शब्द यूज कर रहा हूं, सिलेक्टिव कार्रवाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में इस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के चांटा मारे, हिंसा करे, पत्रकार को हमला करे, वो तो मेरी उपस्थिति में हुआ था, तो मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूँ, पहली मांग ये। दूसरी, ये जो पहले पुराने उससे ये जो मांग करते आए हैं कि इनका गाँव उनियारा में लगे, तो मंत्री जी ने हाँ कर लिया है, इनका गांव उनियारा में लग जाएगा। तीसरा है, उन्होंने तय किया है कि इनकी एक मांग यह है कि जो नुकसान हमारे हुआ है, गरीबों के मकान जल गए, कोई और सामान पड़ गए, एक के 5 लाख चले गए, देवर चला गया और चारा वगैरह सब जल जला गया, जो उसमें सरकार कुछ भरपाई करे वो देखेंगे, कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ का अप्लाई हो तो वो सरकार करेगी। इनका एक कहना यह है जो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने पुलिस की जानकारी में भी दे दिया कि इर्द गिर्द के ज्यादा से ज्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका फैसला पंच पंचायत मौजूद लोग करेंगे, और कोई हिंसा आज से अब से आगे उस इलाके में नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी पंच पंचायत के जैसे गांव में होती है वैसा ये करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला किया है। बाकी जो है कार्रवाई या घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी हमारी सत्ता इसको किसी भी तरह से उचित नहीं मानती, कार्रवाई की है, 60 लोग पुलिस ने डिटेन किए हैं, कल वहाँ एसपी साहब थे, उन्होंने मेरे को कहा था 20 निर्दोष हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, तो हमने इनको भरोसा दिया है कि किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे तो छोड़ा जाएगा जांच के उपरांत, और दोषी को, इनकी मांग है दोषी कोई कहीं का भी हो उसको बख्शा नहीं जाए। ये कह रहे बाहर के लोग आ गए, कोई कोटा से, बूंदी से, झालावाड़ से, सहारनपुर से, जहां जहां भी ये जैसा इनका कहना है
बाहरी लोग वहां गए और बाहरी लोगों ने उपद्रव किया या लोकल किसी ने किया जो अपराधी है उसको, इनकी भी मांग है उनको बख्शा नहीं जाए, निर्दोषों को छोड़ा जाए। मंत्री जी ने कह दिया, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे एसपी ने मेरे को कहा है कि 60 में 20 निर्दोष हैं, उनको पुलिस छोड़ देगी, बाकी आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। एक हमने ये कहा है कि अब वहाँ शांति कायम हो गई कल मेरे जाने के बाद, तो वहाँ भय का वातावरण नहीं बने, इसलिए पुलिस तो बने तैनात रहे लेकिन दूर रहे, गांव में नहीं रहे, क्योंकि ये नए आदमियों को परेशान कर रहे हैं। ये गांव गांव छोड़ छोड़ के चले गए, गांव खाली है, तो वो भय निकले, भय मुक्त हो, अपने खेत और पशुओं को संभालें। इस दृष्टि से मंत्री जी ने भी कह दिया है एडीजी को कि भाई वहाँ पुलिस की छावनी नहीं बनी रहे। आप क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं नए आदमियों को जो टारगेट करें उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनको कोई दोषी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी निर्दोष लोगों को मतलब लिस्ट बना के कैसे आदमियों की जो बना रखी है वो गलत है सर, बिल्कुल उनकी जांच की जाए। अगर भाई आप सुनो तो सही, आप मोटा उपाय ये करो, उपद्रवी आपके इलाके में नहीं आना, नहीं आएगा। और इतनी दूर था वो प्रेस रिपोर्टर आ रहा था, मैं भीड़ में इतनी दूर घुसा हुआ था, मैं एक ही कह रहा था भाई मैं तुम बैठ जाओ, मैं शांतिपूर्ण तरीके में गांव देख आता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी मांग मानूंगा, कोई बात नहीं। वो एक क्राउड इज ए माइंडलेस क्रिएचर, भीड़ के कोई दिमाग तो होता नहीं, और इनोसेंट बच्चे भी उस भीड़ में थे, वो कर देते हैं ऐसा, ऐसी स्थिति बनती है। तो हाँ ये मांग यही लेके आए, इनका गाँव देवली से हटके उलियाराम लगे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक किस किस का दोष रहा है, लैप्स प्रशासन की तरफ से रहा है तो वो जुडिशियल इंक्वायरी इसको तय करेगी। जैसे इनके कह रहे पुलिस ने घर घर का उनको भीतर मारा तो वो पता लगेगा, इन्होंने कोई हमला किया पुलिस पे प्रशासन पर तो वो पता लगेगा, जुडिशियल इंक्वायरी हो, भय मुक्त वहाँ वातावरण बने, और ये पंच पंचायत करके फॉर्मेलिटी करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो मैं और मंत्री जी दोनों वहाँ जा सकते हैं शांति कायम करने के लिए और लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं हो, भय मुक्त करने के लिए। पायलट सचिन पायलट ने बयान दिया है कि पुलिस का जो रवैया था वो बहुत बर्बरतापूर्ण था, पुलिस ने वहाँ पे बहुत जाती की है, तो इसको आप क्या कहेंगे? और आपने भी कहा कि पुलिस वाले जो थे उन्होंने गलत किया है, उन पे क्या कार्रवाई की बात? वो जांच का मामला, देखो ये बात सही है, एक सीधा देखो सिलेक्टिव कार्रवाई तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, नहीं मेरे खिलाफ भी दोषा मूल है, मेरे मतदाताओं को ठोका पीटा है वोट नहीं डालने के लिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आयोग पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, सिलेक्टेड लोगों ने की है, उसमें मैं दरबार में नहीं ले जाना चाहता लेकिन वहाँ हुई है, जिसने भी करी है सरकार मेरी समझ में जाँच कराएगी और दोषी को दंडित करेगी। और अगर हमने कोई गड़बड़ की है या नहीं इन्होंने, तो मैं आप सबके बीच में कहकर जा रहा हूँ, एक भी को न तो हम बचाएंगे नहीं जो आए हैं बचाएंगे, जो भी अपराधी है उसकी कोई इलाका हो, कोई जाति हो, किसी भी दल का हो, उस जेल के सीख से भी जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषी के पर पुलिस हाथ नहीं डाटे डाले, ये मंत्री जी को ये कहने के लिए आए, और कोई बात मेरे से पूछ नहीं पता। मैं तो किसी भी तरह से उचित नहीं मानता, थप्पड़ मारना कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा, वो खुद भी कुछ दिन बाद ये कहेगा मेरे से गलती हुई है। मैंने खुद डीजी साहब को फोन किया कि आप रात में कोई कार्रवाई मत करो, वो रुक गए थे, जो कार्रवाई करनी है वो सुबह करना, यहाँ लैप्स है, यहाँ लैप्स तत्काल हो जानी चाहिए। राज्य मंत्री है, एक मजाक नहीं लगता।